लाइव तस्वीरें हैं और सामने तस्वीरों में आपको सोनिया किन्नर यहाँ नजर आ रही होगी। काफी समय से 30-32 साल से यहाँ रहती है और एक चेला उन्होंने मुंडा था, क्या नाम था, टीना। हाँ जी। टीना, और उसको अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया है। और कहाँ है यह है वो सूचना जिसमें बेदखली सूचना है। मैं सोनिया गुरु बिजली हंदवाड़ नंबर 7 असंत करनाल बयान करती हूँ कि मेरा चेला टीना किन्नर मेरे साथ कहने सुनने से बार और असली अचल संपत्ति से उसको बेदखल करती हूँ। अब सच्चाई क्या है सामने वो आएगी। और काफी समय से टीना उसके साथ रह रही थी और आज कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई है कि सोनिया का ये कहना है कि उसके एक साथी ने उसको जान से मारने की धमकी भी दी है। बातों में कितनी सच्चाई है, अभी कुछ ही देर बाद टीना भी सामने आएगी और सोनिया के साथ उनके और भी जो साथी हैं वो यहाँ पुलिस स्टेशन में आए हुए हैं। सबसे पहले सोनिया से बात करेंगे। सोनिया क्या कहेंगे और पुलिस ने बुलाया? हाँ जी नमस्कार बाबूजी, मैं पूरे भारतवासियों से नमस्ते हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ। ये मेरा टेला था टीना, मैंने इसको कल 15 तारीख से कल मैंने इसको बेदखल कर दिया अपनी प्रॉपर्टी से, अपनी जायदाद से, अपनी जमीन से, अपने इलाके से। बेदखल क्यों किया? बेदखल कर दिया, ये मेरे कहने में नहीं है, ये गलत कार्य करता है, गलत काम करता है, कहने नहीं मानता, किसी दूसरे अन्य गिनों के इलाके में जाके विवाद करता है, उनके साथ मेरा अभी भी केस चला हुआ 26 तारीख लगी हुई है, इसको समझाती है मेरी मानता नहीं है। जो बेटा वो आरोप झूठे सच्चे लगा रहा है वो तो आरोप मेरे बोले मेरे को मुसलमान बना, मैं मुसलमान बताओ कौन बनाने वाली, हिंदू मुसलमान होता है, हमारे में कुछ नहीं होता, हमारी सिर्फ ओनली किन्नर, हमारी शिकार हो गए। हाँ हम तो सिर्फ किन्नर लोग हैं, इजड़े लोग हैं हम तो, हमारी यही जात है, यही बिरादरी है और यही हमारा धर्म है, बस हमारे में कोई वो नहीं होता, हम सारे धर्मों का खाते हैं, सारे 36 बिरादरी का घर का मान के खाते हैं। रेजिडेंस है क्या यूपी में? ना मेरा कोरोना गांव में। हाँ जी मेरा कुछ नहीं है कहीं भी। बकरीद पे गए आप वहाँ? मैं कहीं नहीं गई, मैं अपने घर में थी। अच्छा हाँ। कितने वर्ष हो गए रहते हुए? मेरे को 30-35 साल हो गए यहाँ रहते हैं संत के अंदर। अब जैसे गाँव के लोग उनके साथ आ रहे हैं कि वो क्या दिखाना चाहते हैं? वो तो प्रदर्शन करना चाहता है गांव के लोग, तो भाई बंधु मेरे भी आ रहे हैं, मेरे साथ आ रहे हैं, महाराज जी आ रहे हैं, इनका परिचय ले लो बैठे महाराज जी। ठीक है ठीक है ना। 30-32 सालों से मैं दरिया मढ़ी से जुड़ी हुई हूँ, महात्माओं के संग साथ मैं आती जाती हूँ, भंडारे करती हूँ, अच्छे कार्य करती हूँ। मैंने दुर्गा मंदिर बनाया हुआ, मैंने घर के अपने बराबर में आधे में मंदिर बनाया, आधे में मैंने डेरा बना रखा अपने घर के रिहास का, आधे में भंडारे के लिए मैंने मंदिर बना रखा दुर्गा माता का, वहाँ पे पूजा पाठ करती हूँ, सब कुछ कार्य करती हूँ, अच्छे से भंडारा करती हूँ। तालमेल में ये मेरे कहने में नहीं है जी, जो बाप के कहने में बेटा नहीं रहेगा तो बाप उसको बेदखल करेगा जी। गुरु की बात चेला नहीं मान रहा। हाँ। कहीं ना कहीं कोई ना कोई विवाद। हाँ। बस बस कोई विवाद है। हाँ। विवाद है। हाँ। पैसे का लेन देन है। कोई पैसे का लेन देन नहीं इसका, मेरा मेरे को तो कभी 5 रुपए नहीं दिए इस इंसान ने कभी भी। 6.5 फुट का किन्नर एक और हमारे सामने खड़ा है पुलिस स्टेशन में बोर्ड। जय भारत, मीडिया के माध्यम से सभी देशवासियों का हमारा नमन प्रणाम। और मैं मेरे देशवासियों के लिए, मेरे नगरवासियों के लिए, संत क्षेत्र के लिए मंगल कामना की दुआ। तुम लोगों में हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया? सर सुनो मेरी बात पहले, हमारी सुनो ना। हाँ जी। तुम लोगों में हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया? देखो हमारे अंदर हिंदू मुस्लिम का मुद्दा मैटर नहीं है। सुनो वो कैसे नहीं है, जो किन्नर समाज है हमारा वो नर नारी से उत्पुत होता है, उसके बाद में किन्नर समाज हिंदुओं में भी जन्म लेता है, मुस्लिम धर्म में भी जन्म लेता है, सभी धर्मों में किन्नर हैं। तो जब हम किन्नरों में आ जाते हैं तो हमारी किन्नरों की जो है परंपरागत वो गुरु शिष्य की परंपरा होती है, तो परंपरागत हमारा ये चला आ रहा। मेन पॉइंट बात, टीना के साथ क्या मैटर है? टीना के साथ मैटर ये है, हमारे जो परंपरागत गुरु शिष्य की परंपरा उसके तहत टीना गुरु से वर खिलाफ है, उन्होंने उनके खिलाफ जो आवाज उठाई है वो आवाज उन्होंने क्यों उठाई, नंबर एक। नंबर दो, दूसरे नंबर हमारा समाज ही कहता है भी कोई भी बात है अगर गुरु शिष्य के बीच में तो समाज के बीच में पहले रखें, तो किन्नर समाज के आगे उन्होंने अपना पक्ष रखना था। ठीक है जी। दूसरी बात ये है भी वो हिंदू मुस्लिम की वीडियो में कुछ बातें बोल रही है, तो हिंदू मुस्लिम का कोई मैटर नहीं है हमारा, हमारे लिए तो सभी भाई बंधु आल जन जन खंड है ना, हमारे लिए सब एक है, एक समान है, सबके घरों में जाते हैं, खुशियां बटोरते हैं, खुशियां बांटते हैं, खुशी का हमारा खान पान होता है, ये हमारा जनजीवन है, सबको पता है। तो अब जो उन्होंने इल्जाम सोनिया मेन जी पे लगाए हैं वो उनको पूरा करे। ठीक है
ठीक है जी, प्रूव करें। आप जैसे आप कह रहे हो उन्होंने धमकी दी है, हां जी, वो भी तो प्रूव करनी पड़ेगी। देखो उस मैटर में मैं मुझे नहीं पता उसका पूरा क्लियरिटी के बारे में, वो उनका क्या मैटर है, क्या उनकी एप्लीकेशन है, लेकिन हमारा तो जो हमारा किन्नर समाज इकट्ठा हुआ था वो एक दूसरे के सहमति से हुआ और एक दूसरे से बात करके और फिर सहमति से हुआ। उसमें सुनो, उसमें बुजुर्ग किन्नर भी थे जी, तो बुजुर्ग किन्नरों ने आके ये जो फैसला लिया था भाई आप सिर्फ वाद विवाद अच्छा नहीं होता और अपने इलाका का फैसला कर लो, तो हमने तो ये किया था, फैसला हो गया था। फैसला हो गया, टीना जी भी मौजूद थे और टीना जी के साथ हमारे सामने तो कोई वाद विवाद भी नहीं होया। अब वीडियो उसने बना के डाल ली ग्रुपों में, वो उसका मैटर हो जाएगा, जो सच्चाई है सच्चाई तक जाए। मैं बोल रही हूँ कविता किन्नर असन से, ठीक है, ये कोई लड़ाई नहीं थी हमारा बिरादरी में, जैसे फैसला होता है वो फैसला हो गया, पहले से केस मुकदमा चल रहा था, कोर्ट में केस भी चला हुआ था, कोर्ट में केस चला हुआ था, तो हमारी गद्दी होती है हाथी में, जैसे बड़ी बड़ा घर है तो गद्दी है, गद्दी नसीबी जड़ा हमारा हाथी में है, और तो उसने बोला कि ऐसे लड़ने से दो चार गांवों पे लड़ने से ऐसे तो अच्छी बात नहीं है, दुनिया तमाशा देखेगी किन्नर लड़ लड़ के मरेंगे, इस वजह से फिर उसने बैठ के फैसला कर लिया। जिस टाइम फैसला उस टाइम पे टीना किन्नर भी यही था, ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती होती या कुछ और होता तो वो उस टाइम बोलता ना, उस टाइम तो उसने सांस नहीं आया, उसने खुद भी अंगूठे लगाए, सारे काम हुए, फिर जाने के बाद यहाँ से जब अगलों का एरिया था उन्हें ले लिया। अब किसी बाप के एक बेटा नहीं होता तो उसकी सहमति से दूसरा बो सकता है जमीन, बो सकता है ना, जब उसके पैदा हो जाता है वो तो अपनी जमीन लेगा ना। 30-32 साल से सोनिया माई मांग रही थी तो उनके नहीं था, उनके पैदा हुआ तो उन्होंने अपना ले लिया, तो ये तो जाए जी फैसला था। तुझे क्या मैटर है बताओ पूरा, आम आदमी का रोला सुना था, तीन का भी रोला बच रहा, गुरु से लगा रोला तो हमें सब बताओ। असली मामला क्या है गुरु जी? हाँ जी, असली मामला क्या है ये बताने जी। जी जी, ऐसा है, इसको साल डेढ़ साल पहले टीना को सोनिया ने किला बनाया था। अच्छा जी, किला बनाने के बाद में गुरु शिष्य की जो परंपरा होती है उसके अनुसार इसको 5 गांव दे दी, ठीक है, उसमें बड़ा भी आता है। अब इनकी पंचायत में वो गांव घरोंडा वालों के पास चला गया बड़ा, उन्होंने इसको घरोंडा वालों को दे दिया, इनकी पंचायत का जो ध्वजा हमारे धर्म समाज का वो है, उस बात पे इनका रोला है, वो कहते हैं हम बड़ा मांगेंगे, जब वो घरोंडा वालों के पास चले गया इनका मालिकाना गुच्छा खत्म हो गया तो वो कैसे मांगेंगे, वो इसी बात का इनका रोला है। लाठन लगाना बोले कि ये फलाना कर रहे हैं वो कर रहे हैं, किन्नर समाज सब धर्म का होता है, किसी एक धर्म का नहीं, नहीं, ठीक है। आज 32 साल से मेरी धर्म बेटी बनी हुई है, ठीक है, रंजनी अखाड़ा हमारा संस्था है उससे ये जुड़ी हुई है और सब धर्मों को मानती है, आए साल भंडारा करना, गली में पीर है गीता करो, पटवारी पटूरी ले लेंदे, पटवारी पटूरी ले लेंदे, पक्की दीवार दूर खाए संदा रोला हो गया, बटाई में रोला हुआ, केवल रोला यही है और कुछ मैटर नहीं है। अब जब वो इनका साधु समाज का धर्म समाज का वो स्थान दूसरे की बात चले गया तो उसमें जबरदस्ती नहीं मांग, तो धमकी देने की बात है वो कैसे? वो धमकी देने की बात उसकी गलत है, देखो कोई भी शिष्य है वो अपने गुरु को नहीं धमका, नहीं बिल्कुल ठीक है, जो परंपरा है आपस में बैठ के सुलह करनी थी, ठीक है, ये उनकी गलत, हम अभी भी यही कहते हैं कि बैठ के सुलह करे वो अच्छा है धर्म समाज, आपस में लड़ना भिड़ना गलत है, लड़ाई झगड़े सब पे होते हैं मगर धर्म के साथ में जुड़ के बैठ के बात ना। अभी मिलेंगे वो भी। तो भाई लाइव तस्वीरें हैं, सोनिया किन्नर जो है पहुंच चुकी है असंध थाना में अपने साथियों के साथ और कुछ ही देर बाद जो टीना किन्नर है वो भी पहुंचने वाली है। धमकी देने को लेकर के सोनिया किन्नर अपने साथियों के साथ यहाँ संघ पहुंची है और एक गांव को लेकर के कुछ एरिया को लेकर के जो एक डिस्ट्रीब्यूटर है वो काफी लंबे से चला हुआ लंबे समय से, तो आप बने रहिएगा जुड़ रहिएगा, इन तस्वीरों का आप शेयर भी कीजिएगा। और सोनिया किन्नर है इस समय और लगातार जो है 30-32 वर्ष से यहाँ रह रही है और कुछ पड़ोसी भी आ रहे हैं। अच्छा, तो कितने सालों से रह रही है यहाँ? या तो 20-25 सालों से। अच्छा, हम तो याद आया, कोई समस्या तो नहीं? पड़ो जी, आप बिताई
इनसे कोई समस्या तो नहीं? ना कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं, हाँ ना कोई दिक्कत नहीं, समस्या नहीं। सुनो सुनो सुनो, जो टीना कह रही है भाई मुझे मुसलमान बनाया जा रहा है ना, और उसके एरिया को लेकर भी है उसका? ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो थी आपके पास, आपके आप देखते थे उसको? और देखा तो नहीं, दो रहे थे हमें। कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं, किसी प्रकार की भी कोई समस्या नहीं। टीना सही है या सोनिया सही है? सोनिया सही है। टीना कैसा है? सही ही बना था भाई। हां सही बता। यह तो 30-40 साल हो गए रंदी रा सोनिया ना, तो सोनिया ने और के टीना का क्या मतलब? टीना का दो भी नहीं होगे, देखोगे तीन भी नहीं। गरीब आदमी की लड़कियां की शादी होती है वहां दान दे दे रहा है। दम की दम की का तो देखा मैं, मेरा को नहीं। तो देखी सोनिया, सही सोनिया, सही सोनिया। ए माया दी बेटी का क्या नु तुम दम की दे दे, मदद करे करे क्यों नहीं करा करे। गरीब आदमी आके सारा मिलावा पड़ोसी एक के गली मान तो पहला कोई लड़ाई झगड़ा है ना? लड़ाई झगड़ा नहीं सुनिया, अरे लड़ाई झगड़ा होया तो सुन लिया। चलो चलो, पहले कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। तो पुलिस स्टेशन में आम आदमी तो आता है, आज किन्नरों को आने के लिए मजबूर हो गए, और कुछ ऐसी बातें सामने आ रही है कि धमकी देने की हिंदू मुस्लिम की। अब वो सामने आएंगे क्या? क्या बोला? हाँ जी, मैं अपनी पोती को लेने जा रही थी। तो देखिए सच्चाई बोलिए, गवाही तेरी भी होगी कल हो जाओगी। हाँ सच्चाई बोलिए। तो धमकी दे क्या? गोली मार देंगे सोनिया। किसने धमकी दी? अच्छा, किसने धमकी? बंदूक ले न्यू तो के मेरा किसने कही है तेरे? आपको कही है बात? हाँ जी। ला भाई किसने कही है? सबूत जो है धीरे धीरे सामने आते हैं, और सोनिया इस समय अपने साथियों के संग जो है पहुंची हुई है। क्या सच्चाई है सामने? कुछ ही देर बाद आपके सामने टीना भी पहुंचेगी। पुलिस आज काफी रश है, और पुलिस स्टेशन असंध में है। तस्वीरों को शेयर करें, बने रहे संदल चल हरियाणा के।